नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वक्त हो चुका है इस वक्त की 10 बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, वहीं आज लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा होनी थी, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। दरअसल विपक्षी सांसदों ने मणिपुर मुद्दे और दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर हंगामा कर दिया, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। वहीं पीएम मोदी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के एनडीए के सांसदों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। बता दें कि बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। हरियाणा में आज स्थिति शांतिपूर्ण है, हालांकि नूह, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम में धारा 144 लागू है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज से सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ बुधवार से रोजाना मामले की सुनवाई करेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला टीम इंडिया ने 200 रन से अपने नाम किया है। इसके साथ ही भारत ने सीरीज भी 2-1 से जीत ली है। नू हिंसा के बाद बजरंग दल और VHP की रैलियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील CU सिंह ने दिल्ली NCR में रैलियों पर रोक लगाने की मांग चीफ जस्टिस के सामने रखने की कोशिश की। वहीं चीफ जस्टिस ने कहा कि तय प्रक्रियाओं के मुताबिक रजिस्ट्री को ईमेल भेजे, सुनवाई पर विचार किया जाएगा। वहीं हिंदी सिनेमा से एक शॉकिंग खबर सामने आई है। बॉलीवुड के मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई अब हमारे बीच नहीं रहे। नितिन ने बुधवार की सुबह आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। उनकी मौत की खबर सामने आते ही सिनेमा जगत में सन्नाटा पसर गया। PCS अधिकारी ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नियुक्ति विभाग ने बरेली में तैनात PCS अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच का आदेश दिया है। जांच प्रयागराज के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को सौंपी गई है। वहीं हरियाणा के नूह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जानते थे कि हिंसा होने वाली है। उन्होंने इसे सरकार की साजिश करार दिया है। वहीं लखनऊ के आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश हुई है। राजधानी में लोगों को बारिश का काफी दिनों से इंतजार था। वहीं लंबे इंतजार के बाद आज मौसम बदला है। फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहें द लीडर हिंदी के साथ।